तो जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है, आपको क्या प्रूफ करना है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूफ करनी है ना? तो अब जैसे जानते हो कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर कोई इंटायर कॉलम या इंटायर रो जो हो जाए अगर जीरो हो जाती है, सारी एंट्री जीरो हो जाती है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्या हम लोग इस डिटर्मिनेंट को आप यहाँ जीरो 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 क्या कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हैं ताकि C1 इंटायरली जो सारे एलिमेंट C1 के हो जाएं वो जीरो हो जाएं? ठीक है, इसके लिए आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे? तो देखिए, हम लोग जैसा दिख रहा है कि अगर हम लोग C2 और C3 को ठीक है C1 में ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका, C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या हो जाएगा? देखिए, ये सारे एलिमेंट लाके C1 में ऐड कर देने हैं, इसका मतलब ये माइनस का बी है, ये प्लस का बी है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का सी या प्लस का सी, ये कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस का है, यहाँ माइनस का ए है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ जीरो आ जाएगा जब आप ऐड अप करोगे, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली बोल सकते हो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन आपको ये सोचना है, अगर मान लीजिए हम कहते कि पहली रो को जीरो बनाना है, इसके लिए आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते? ठीक है, ये आप कमेंट करिएगा।